वेरी वेरी क्रीमी, इतना क्रीमी है ना ये, मतलब इसको लगाते ही बहुत अच्छा फील होता है. एंड दिस वन इज प्रॉपर लाइक ऑन फेस हाइलाइटर है. वेरी नाइस हॉट पिंक सॉर्ट ऑफ शेड, लाइक लुक एट दिस, एकदम चटाक पिंक स्किन. आप देख रहे हो कितनी ज्यादा मैट और डल लग रही है, और इस साइड कितनी अच्छी ड्यूइनेस आई है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेल्कम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, नॉट जस्ट फेस्टिव, वेडिंग सीजन भी शुरू होने वाला है. अभी नवरात्रे, दिवाली, दशहरा, फिर वेडिंग्स आएंगी बहुत सारी. और जब ऐसे अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं ना, तो हमारा ही मन करता है अच्छा सा मेकअप लुक क्रिएट करने का. एंड माइंड यू, दिस इज नॉट अबाउट मैट मेकअप. इस टाइम पर हम सब करना चाहते हैं ग्लिटरी, शाइनी, ग्लॉसी मेकअप, बिकॉज उसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं और ये वेडिंग फेस्टिव्स के हिसाब से अच्छा लगता है. अमेजोन पे सेल भी चल रही है, तो ये सब आपको बहुत अच्छी डील पर मिल जाएगा. लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. बट विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले वापस आएंगे, फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार. वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ा दुख होता है यार. इतनी मेहनत लगती है, आइडिएशन लगती है, बैठ बैठ के नोट्स बनाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, उनको रिव्यू करना होता है, टेस्ट करना होता है. सो आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है और आपको कुछ नहीं करना. प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट विद बेस प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम यूजली प्राइमर, फाउंडेशन तो हर मेकअप लुक के लिए क्रिएट करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्लॉसी और शाइनी मेकअप लुक के लिए. तो उसके लिए आपको फाउंडेशन से पहले एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, इट चेंजेस द होल गेम. इसमें आपकी पिक्चर्स इतनी अच्छी आती है ना, जब इसमें फ्लैश पड़ता है ना, तो काफ़ी आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और ग्लॉसी लगती है. मैं बात कर रही हूँ इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स एंड प्राइमर्स की. इसमें पास दो सजेशन है यहाँ पे. सबसे पहले है फ्रॉम द ब्रांड लैक्मे. यह लैक्मे की लूमी क्रीम जो काफ़ी फेमस चल रही है आजकल. दिस इज मॉइस्चराइजर विद हाइलाइटर. ये मैक स्ट्रोव क्रीम का डायरेक्ट ड्यूप भी माना जाता है. मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स एंड रील्स भी बनाई हुई है, जिसमें मैंने मैक का स्ट्रोव क्रीम और ये लैक्मे की लूमी क्रीम को कंपेयर करके दिखाया है. और उसमें आप देखोगे, मैंने उसमें फ्लैश जला के स्पेसिफिकली दिखाया था, ताकि आपको फर्क पता चले कि मैक की कितनी ज्यादा सटल है. काफी बार जो आप लाउड मेकअप करना चाहते हो ना, तो इतना सूट नहीं करता, लेकिन ये लैक्मे की बहुत अच्छी लगती है. सो दिस आउट लुक्स लाइक. ये अभी एक ही शेड में अवेलेबल है, इसका एक पिंक सॉर्ट ऑफ टेंट है, जबकि जो मैक की स्ट्रोव क्रीम है वो दो में आती है, एक पिंक लाइट में आती है, एक वाइट कलर में आती है. तो इसका जो पिंक वाला जो टोन है ना, उससे काफी ज्यादा मैच होता है. एंड इट इज लिटरली लाइक अ मॉइस्चराइजर, खाली एक मॉइस्चराइजर जैसी. आप इसको लगाओ और लगाते ही आपकी स्किन, लुक एट दिस, लाइक ये स्किन आप देख रहे हो कितनी ज्यादा मैट और डल लग रही है, और इस साइड कितनी अच्छी ड्यूइनेस आई है, हाइड्रेशन मिल गई है स्किन को, एक ग्लॉसीनेस आई है. तो इसको आप अपना ग्लॉस या फिर ग्लॉस बोल रही हूँ, फाउंडेशन लगाने से पहले अच्छे से अप्लाई कर लो पूरे फेस पे, या फिर आप इसको फाउंडेशन के साथ मिक्स भी कर सकते हो. अगर आपको लगता है ना आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा ओवर फुल कवरेज दे रहा है, फिर क्रैक हो रहा है, या फिर थोड़ा सा उसका स्किन टोन जो है, फाउंडेशन का जो टोन है वो डार्क है, तो इसके बाद मिक्स करके ना उसका टोन थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है. प्लस वो फाउंडेशन एकदम ग्लॉसी फाउंडेशन बन जाता है. जब आप उसको पूरा लगाओगे ना, तो काफ़ी अच्छी लुक आती है. आप इसको अपने हाई पॉइंट से भी लगा सकते हो, लाइक खाली यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर लगा लिया, एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो. सो ये तो खाली मॉइस्चराइजर जैसा है. इसके बाद आपको प्राइमर भी लगाना चाहिए, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाए. लेकिन उसके लिए मेरे पास 2-in-1 प्रोडक्ट है. अगर आप दो स्टेप नहीं करना चाहते, आप ये ले सकते हो मार्स का टेक अ ग्लो एल्यूमिनेटिंग प्राइमर. अगेन ये काफी फेमस चल रहा है फ्रॉम मार्स. मार्स एज अ ब्रांड वैसे भी आजकल काफी फेमस चल रही है. सो दिस आउट द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इसके ऐसे ट्यूब सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग, और यहाँ पर आपको पंप मिलता है, विच इज क्वाइट हैंडी टू यूज. इसका भी बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आता है. आई विल जस्ट शो यू हेयर, बिकॉज उस साइड मैंने लैक्मे की लगाई थी. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये अपने आपको एल्यूमिनेटिंग प्राइमर सेल करते हैं, तो ये एल्यूमिनेशन का भी काम कर रहा है और ये प्राइमर का भी काम कर रहा है. ये थोड़ा बहुत आपके पोर्स को फिल इन भी कर देता है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अगेन इसकी बहुत अच्छी एक हाइड्रेटिंग इफेक्ट आता है, एक शाइनीनेस आती है, लाइक लुक एट दिस. दोनों ही कितने ग्लॉसी लग रहे हैं इसके अंदर. हाउएवर आई वुड से इसकी ज़्यादा अच्छी एक शाइनीनेस आती है एज कम्पेयर टू लैक्मे. लैक्मे थोड़ा और सटल लग रहा है, लेकिन ये और अच्छा ग्लॉसीनेस दे रहा है. फॉर 299 एंड दिस फॉर 229. द ओनली थिंग इज, ये खाली मॉइस्चराइजर जैसी फील देता है, वेयर एज दिस इज मोर ऑन द प्राइमिंग साइड. तो ये 2-step-in-1 जैसा हो जाता है. सो द चॉइस इज योर्स, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट आईज नाउ, बिकॉज ऑफ इंडियन वेडिंग या फिर फेस्टिव मेकअप लुक की बात आती है ना, हम सबको आईज पर फोकस डालना ज्यादा पसंद है. बिकॉज आईज को एक बार आप एनहांस कर देते हो ना, तो पूरा मेकअप लुक थोड़ा सा मैट भी हो तो चल जाता है. तो मेरे पास बहुत सारे एकदम शिमरी ग्लॉसी में रिकमेंडेशन है. सो सबसे पहले मैं रिकमेंड करने वाली हूँ ये आई शेडो स्टिक. दिस इज बाय द ब्रांड कीरो. ये है उनकी लॉन्ग वेयर ब्राइटनिंग आई शेडो स्टिक. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसका शेड है सैंडी कॉपर, और ये जो कॉपर शेड होता है ना, ये सारी मेकअप लुक पे जाता है. बिकॉज हमारी जो इंडियन स्किन टोन होती है ना, ऐसे हल्की सी डस्की वाली, इस पर कॉपर शेड बहुत अच्छा लगता है.
आप साड़ी पहनो, लहंगा पहनो, कोई इंडियन में कुछ भी गरबा लुक भी क्रिएट कर रहे हो नवरात्रि के लिए, आप खाली उसको अपने आईज पे ऐसे लगा के ब्लेंड कर लोगे ना, यू आर गुड टू गो। आपको अलग से बड़ी बड़ी आई शेडोज लेने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम प्रैक्टिकल और थोड़ा सा क्विक मेकअप लुक की बात करें तो ये ज़्यादा हैंडी रहता है और ये बिगनर फ्रेंडली भी है। सो दिस इज हाउ सैंडी कॉपर लुक्स लाइक। इसका एक ब्राउन टोन है और ये पास से अगर आप बहुत ज़्यादा पास से देखोगे ना, इसमें हल्का हल्का एक शाइनी इफेक्ट है विच इज़ नॉट वेरी चंकी। आई लव द फैक्ट इसका जो शाइननेस है ना वो बिल्कुल भी चंकी नहीं है, एक नेचुरल एक इसकी शाइन आती है। सो अगर आपको नॉन चंकी प्रोडक्ट्स पसंद है, लाइक जो एकदम ज़्यादा ग्लिटरी ग्लिटरी ना लगे, तो आप ये आई शेडो स्टिक ले सकते हो। इनके काफ़ी सारे शेड रेंज आते हैं, आप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। आई वुड से ऐसा ब्रॉन्ज कलर या फिर एकदम स्ट्रेट अप गोल्डन कलर जो होता है ना, ये दो शेड ले लो तो सेफ रहेगा, बिकॉज ये इंडियन वेडिंग या फेस्टिव लुक में चले जाते हैं और ये काफ़ी न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ कलर्स होते हैं। ये काफ़ी जल्दी सेटल हो जाता है, तो प्लीज़ इसको ऐसे लगाना और फटाफट ऐसे ब्लेंड कर देना, वेट मत करना, अदरवाइज ये सेट हो जाएगा आपकी आईज पे। सो अगर आप गरबा करने वाले हो कोई धूप में या फिर कोई गर्मी में, कोई फेस्टिवल का कुछ भी अटेंड करने वाले हो ना, तो ये आई शेडो स्टिक ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाउडर आई शेडो, बिकॉज पाउडर वाली एक तो उड़ जाती है, ज़्यादा स्टे नहीं करती, बहुत अजीब सी केकी केकी हो जाती है, लेकिन ये नहीं होने वाली। सो थोड़ी सी प्राइजी है, बट आई वुड से वर्थ द प्राइस। नेक्स्ट अप इन द सेम शेड रेंज आई हैव एन आई लाइनर, यह लैक्मे एब्सोल्यूट का शाइन लाइन, दिस आर द पैकेजिंग लुक्स लाइक। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो आपको पता है मुझे लैक्मे का जो शाइन लाइन ब्लैक वाला लिक्विड आई लाइनर है वो कितना पसंद है। वो तो मैं अपने कॉलेज के डांस सोसाइटी के टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मैंने उसकी 4-5 बॉटल्स ऐसी वाली खत्म कर दी होंगी, बिकॉज वो मेरा फेवरेट है। मैं कोई भी फेस्टिव या वेडिंग मेकअप लुक करती हूँ, आई प्रेफर दैट ओनली, बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो इसलिए मैंने ये गोल्डन कलर मंगवाया था इस बार अमेजोन से, जस्ट टू सी कि इसका इफेक्ट कैसा आता है। अगर आप बिल्कुल कुछ मेकअप नहीं करना चाहते या फिर यू आर लाइक अ नो मेकअप पर्सन, आपको अननेसेसरी मेकअप करना नहीं पसंद, लेकिन मम्मी ने बोला है शादी में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, फेस्टिवल में जाना है, थोड़ा बहुत तो कर लेना चाहिए ना, तो आई वुड से ऐसा एक लाइनर ले लो। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक एंड दिस इज द शेड। अगेन इसका भी एक सिमिलर एक ब्रॉन्ज गोल्डन सॉर्ट ऑफ शेड है। द ब्रश एप्लीकेटर ऑफ दिस वन, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो मोटी एक लाइन आएगी, थोड़ा कम प्रेशर लगाओगे तो पतली आएगी, तो आपकी मर्जी, आप ज़्यादा मोटा करना चाहते हो, पतला करना चाहते हो। आजकल एक और ट्रेंड काफ़ी चल रहा है जिसमें ऐसे हम ब्लैक कलर का विंग लाइनर लगाते हैं और उसके ऊपर एक आउटलाइन बनाते हैं ऐसे गोल्डन की, जो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और अगर हुडेड आइज हो ना तो ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है, बिकॉज जब आंखें खोलो हुडेड आइज का तो सब कुछ छुप जाता है, कुछ दिखता ही नहीं, खाली ये लाइनर के पास वाला एरिया दिखता है। तो अगर वहाँ पर आप गोल्डन ये शेड अप्लाई कर लोगे ना, यू आर गुड टू गो। दिस इज डेफिनेटली स्लाइटली प्राइसी एज कम्पेयर टू दोज लोकल वाले लाइनर्स। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे लोकल वाले शिमरी ग्लिटरी लाइनर्स आते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा सेफ चलना चाहते हो फॉर योर आइज, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो आइज के काफ़ी पास अप्लाई होगी, तो उसके लिए आई वुड से नाइस, बिकॉज ये इतना क्वांटिटी भी काफ़ी लंबी चलने वाली है, कंसिडरिंग द फैक्ट आप इसको खाली फेस्टिव या फिर वेडिंग लुक में यूज़ करोगे। एंड नेक्स्ट अप वी हैव लिक्विड आई शेडोज विच आर लाइक टॉक ऑफ द टाउन। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना वो लिक्विड आई शेडोज का ही चल रहा है, बिकॉज आप मैट वाली कितनी भी ज़्यादा लगा लो वो इतनी शो अप नहीं होती, वेर एज लिक्विड आई शेडोज हल्का सा टच करती है, बहुत प्यारी शो अप होती है। मैं पर्सनली जब भी वेडिंग फंक्शन का कोई मेकअप लुक करती हूँ, मैं हमेशा इनर कॉर्नर से मिड तक लिक्विड आई शेडोज ही लगाती हूँ, बिकॉज ये ज़्यादा अच्छा स्टे करती है। सो आई हैव टू ब्रांड्स, सबसे पहले है स्विस ब्यूटी की एक गोल्डन कलर, मेरे पास इनका ब्रॉन्ज कलर भी था, मैं आज ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। उसका जो कलर था वो एकदम ये लैक्मे वाली का जैसा था, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, बट आई हैव दिस शेड एज वेल। इसका शेड है 01 गोल्ड गॉडेस एंड इट इज़ एक्चुअली अ गोल्ड गॉडेस शेड, लाइक लुक एट दिस, एकदम स्ट्रेट अप गोल्डन ये कलर है। अगर आपको भी ऐसा थोड़ा सा येलो टोन में गोल्डन पसंद है ना, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। ये ऐसे आउटफिट के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा, बिकॉज इस आउटफिट का आप देख रहे हो एकदम येलो गोल्डन इफेक्ट आ रहा है। सो उसके साथ अगर आप ऐसा कुछ अप्लाई करोगे तो इट विल लुक वेरी नाइस, और ये अप्लाई करने में काफ़ी ईजी होता है। इनका ऐसा लिप ग्लॉस जैसी पैकेजिंग आती है, यू जस्ट क्लोज योर आइज, इनर कॉर्नर से सेंटर तक लेके जाओ, थोड़ा सा ऐसे फिंगर से डैप कर दो एंड यू गुड टू गो। थोड़े आइज क्लोज रखा करो, बिकॉज ये लिक्विड है ना तो उसको सूखने में टाइम लगता है। लिक्विड आई शेडोज कभी भी लगाती आंखें नहीं खोलनी चाहिए, बिकॉज फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है, मस्कारा पे टच हो जाता है, लैशेस पर टच हो जाता है। सो वेट फॉर अ वाइल, और जब ये सूख जाती हैं दे आर लाइक सेट, बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में है, अप्लाई होने के बाद सेट हो जाती हैं। फिर आप गर्मी में पसीने में कहीं पर भी जाओ, ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसमें पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आती हैं। सो डेफिनेटली वेडिंग फेस्टिव लॉन्गिटिविटी के हिसाब से लिक्विड आई शेडोज आर बेटर देन दोज प्रेस्ड ग्लिटर्स या फिर पाउडर ग्लिटर्स। सेकेंड लिक्विड आई शेडो का रिकमेंडेशन है बाय द ब्रांड मार्स। अगर आपने मेरा भी मंथली फेवरेट देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने यही फीचर करी थी।
आई लव इट. ये मुझे रिसेंटली पी आर में रिसीव हुए थे इसके दो शेड्स. ये मार्स की मेस्मराइज लिक्विड आई शेडो इन द शेड निबला. मैंने ये वाला शेड शायद फीचर किया था मंथली फेवरेट में. इसका बहुत प्यारा पिंक सिल्वर इफेक्ट है, मतलब आई लव इट. आई थिंक ऐसी दो आई शेडोज तो होनी चाहिए जिसमें एक गोल्डन या फिर ब्रोंज का इफेक्ट हो या फिर एक ऐसा पिंक सिल्वर इफेक्ट हो. एंड ये ना इतनी पिगमेंटेड नहीं है एज कम्पेयर टू स्विस ब्यूटी. मुझे स्विस ब्यूटी वाली ज़्यादा पिगमेंटेड लगती है. ये वाली हल्की सी थोड़ी वॉटरी लिक्विड जैसी है, बट इसका जो एक होलोग्राफिक इफेक्ट आता ना वो बहुत अच्छा आता है. मतलब लुक एट दिस. इस पर आई थिंक जब भी लाइट पड़ती है ना ये कुछ अलग ही लगता है. काफ़ी बार ये पिंक लगता है, काफ़ी बार ये ब्लू टोन लगता है. सो इस पर जब लाइट पड़ती है ना इट लुक्स वेरी नाइस. आई जस्ट अप्लाई राइट ओवर हेयर सो दैट आपको एक और क्लियर आइडिया मिल पाए. लाइक लुक एट दिस, आपको एक शाइनीनेस फील होगी लेकिन ऐसा ही लगेगा मैंने कुछ बहुत एक्सट्रीम लगाया हुआ है. सो ये भी काफ़ी अच्छी है. इसको तो मैं काफ़ी बार वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी लगा चुकी हूँ बिकॉज इसका जो एक सिल्वर एक होलोग्राफिक इफेक्ट है ना वो कॉकटेल पार्टीज या फिर नाइट टाइम में आप कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी पहनते हो ना तभी भी अच्छा लगता है. दिस आर डेफिनेटली माई चॉइस फ्रॉम लिक्विड आई शेडोज. ये अफोर्डेबल भी हैं, अमेजोन की सेल पर आपको बढ़िया डील पर मिल जाती हैं. अपने हिसाब से कोई भी शेड पिकअप कर सकते हो. आप नोटिस करो आपके पास आउटफिट किस टोन के ज़्यादा हैं. आपके पास सिल्वर टोन के आउटफिट ज़्यादा हैं, आपके पास गोल्डन टोन के आउटफिट ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से आप कोई भी दोनों में से एक शेड ले सकते हो. एंड यू आर गुड टू गो. आपकी मैक्सिमम आउटफिट में फिर आई शेडो चल जाती है. कमिंग टू हाइलाइटर्स, बिकॉज कोई भी फेस्टिव लोग इनकम्प्लीट है विदाउट हाइलाइटर्स. मैंने काफी हाइप सुनी थी इसलिए मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. मैंने जस्ट अभी इसकी रील भी शूट करी है जो मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगी. सो ये 100 रुपीज का आता है, लाइक एज इन 105 रुपीज का है, लेकिन आपको 90-95 रुपीज में ही इजिली अमेजोन से मिल जाएगा. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. मेरे पास सेम इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर भी है जो बिल्कुल सिमिलर पैकेजिंग में आता है. ये लिटरली कलर पॉप का एकदम ड्यूप लग रहा है. कलर पॉप की थोड़ी सी ऐसे मोटी वाली डब्बी आती है आई थिंक. ये थोड़ी सी फ्लैटन है लेकिन बिल्कुल वैसी ही लग रही है. और ये जो शेड है ये है 05 सैवेज बाबी. दिस इज द शेड एंड अगेन अ गोल्डन ब्रॉन्ज गॉडेस सॉर्ट ऑफ शेड जो हमारी इंडियन स्किन टोन पे काफी अच्छा लगेगा. लुक एट दिस अगेन, वेरी वेरी क्रीमी. इतना क्रीमी है ना ये, मतलब इसको लगाते ही बहुत अच्छा फील होता है. एंड दिस वन इज प्रॉपर लाइक ऑन फेस हाईलाइटर. आई थिंक अगर आप फोटोज के लिए कोई ले रहे हो ना कि आपकी फोटोज एकदम ग्लॉसी और शाइनी आए तो ये वाला आप हाईलाइटर ले सकते हो. दिस इज लिटरली अ ब्रोंज गॉडेस शेड. बहुत प्यारा लगता है, क्रीमी है तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हो. थोड़ा सा लगाओ, ज़्यादा लगाओ, अपने हिसाब से इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो. अगेन अब मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट, इसको आप अपनी आईलेट्स पे भी लगा सकते हो. तो एज अ आई शेडो एज अ क्रीम बेस्ड हाईलाइटर दोनों में आपके काम आएगा. सो अगर आप कुछ बहुत सस्ते में ढूंढ रहे हो ना अंडर ₹100 आई वुड से ट्राई दिस वन. एंड लास्ट जो हाईलाइटर है जो मेरा दी मोस्ट फेवरेट हाईलाइटर है कोई भी इंडियन वेडिंग फंक्शन के लिए वो है ये कीरो ब्यूटी का प्रिज्म परफेक्ट हाईलाइटर. ये मैंने अभी अमेजोन की एक रील बनाई थी ना आउटफिट का, ब्राइड्समेड सॉर्ट ऑफ आउटफिट की, मतलब एक अभी रिसेंटली मैंने अपलोड करी थी उसमें मैंने यही हाईलाइटर अप्लाई किया था. इसका शेड है सैंडी रोज एंड पर्ली ब्रोन. सो इसमें दो शेड आपको मिलते हैं. आई डोंट नो माई कैमरा वुड कैच और नॉट, बट कैन यू सी या इस साइड आपको हल्का सा एक डार्कर शेड मिल रहा है और इस साइड आपको एक हल्का सा लाइटर शेड मिल रहा है. मैं पर्सनली इन दोनों को मिक्स करके लगाना प्रेफर करती हूँ. कैन सी मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है. एंड वंस यू मिक्स बोथ ऑफ दीज ये काफ़ी सही लगते हैं. लाइक लुक एट दिस, लिटरली अ ब्रोंज गॉडेस सॉर्ट ऑफ शेड. डे टाइम के लिए तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हल्की सी अगर ब्रॉन्जिंग भी करनी हो ना आप डायरेक्टली इसको मोटे ब्रश से लो और इस एरिया में ऐसे लगा दोगे ना तो एक बहुत अच्छा एक ब्रॉन्ज इफेक्ट आता है, सन किस वाली फील आती है. सो मुझे इसका शेड काफ़ी अच्छा लगता है. अगेन फॉर डस्की स्किन ब्यूटीज दिस शेड इज अमेजिंग. एंड फाइनली कमिंग टू लिप्स, इन सम ग्लॉसी और शाइनी मेकअप की बात कर रहे हैं तो हम लिपस्टिक तो मैट नहीं लगाने वाले ना, लिपस्टिक भी हमें एकदम शाइनी ग्लॉसी चाहिए. मेरे पास दो रिकमेंडेशन है जो आजकल मेरे फेवरेट चल रहे हैं इन ग्लॉसी कैटेगरी. सबसे पहले है ये MyGlam का केपले का फ्लेवर्ड लिप ग्लॉस. अगेन मैं मल्टीपल टाइम फीचर कर चुकी हूँ, आई थिंक मैंने किसी मंथली फेवरेट में भी आपको ये दिखाया था. दिस इज इन द शेड 05 पैशन फ्रूट और ये एक्चुअल में टेस्ट करता है एकदम फ्रूट की तरह, मतलब बड़ा यम्मी इसका टेस्ट है. ये भी आपको Amazon में मिल जाएगा. अगर आपको नहीं पता MyGlam के प्रोडक्ट्स आपको Amazon पर भी मिलते हैं सो आप चेकआउट कर सकते हो. दिस इज लाइक अ वेरी नाइस हॉट पिंक सॉर्ट ऑफ शेड. लाइक लुक एट दिस, एकदम चटाक पिंक वाला जो शेड है ना ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. जब मुझे पता है मैंने आई शेडो काफ़ी डल करी है, लाइक आज मैंने आईज काफ़ी न्यूट्रल करी है, बिल्कुल एक हल्का सा पिंक आई शेडो लगाया, मस्कारा लगाया, दैट्स इट. लेकिन मैंने लिप्स पर ये लगा लिया था और अब तो मैं खा चुकी हूँ, काफ़ी देर हो चुका है, 2 घंटे हो गए आई थिंक शूट करते हुए. या इट्स स्टिल देयर लेकिन थोड़ा सा डिम हो गया.
आई लव इट, मतलब कितनी प्यारी लगती है, एकदम पॉपिंग लग रही है. सो आई नो बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो इतना लाउड शेड लगाना प्रेफर नहीं करते, दे वॉन्ट समथिंग इन न्यूड एंड न्यूट्रल कलर. तो उसके लिए मेरे पास रिकमेंडेशन है अगेन फ्रॉम कीरो ब्यूटी. आई डोंट नो इस बार इतने सारे रिकमेंडेशन कैसे हो गए, दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई कीरो ब्यूटी, मैं क्लियर कर रही हूँ. बट आई लाइक द प्रोडक्ट्स, काफ़ी अच्छी क्वालिटी ऑफर करते हैं. सो ये कीरो ब्यूटी का बटर लिप ग्लॉस, आई थिंक इसको ये बोलते हैं, बटर समथिंग को लिपस्टिक बोलते हैं. दिस इज द शेड स्टोन लिली 01 एंड वॉट अ ब्यूटिफुल न्यूड शेड. मैंने एक रील शूट करी है जिसमें मैंने लिप लाइनर, लिपस्टिक और ये ग्लॉस का कॉम्बिनेशन दिखाया जो मुझे आजकल काफ़ी पसंद है. जब मैं रात को भी कहीं डेट नाइट्स वगैरह पे जाती हूँ ना, तो मैं ये कॉम्बिनेशन लगाती हूँ बिकॉज ये काफ़ी प्रिटी लगता है. सो दिस इज हाउ स्टोन लिली लुक्स लाइक. इट्स लाइक अ वेरी प्रिटी न्यूड कलर विद अ हिंट ऑफ ग्लॉस. लाइक इसका जो ग्लॉसीनेस है वो इतनी नहीं है, लाइक लाइट जब पड़ेगी हल्का सा दिखता, अदरवाइज ये इतना ग्लॉसी लगता नहीं है. बट आई लव इट, ये अगेन इंडियन स्किन टोन पे बहुत प्यारा लगता है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कीरो के जो प्रोडक्ट्स हैं ना थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं. बट आई थिंक ये अपने इंग्रेडिएंट्स पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं ना, इसलिए इनका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है. बिकॉज दे बिलीव इन रियली गुड इंग्रेडिएंट्स एंड ऑल, ये ऐसे लोकल इंग्रेडिएंट्स से नहीं बने होते. सो इफ यू आर स्पेसिफिक अबाउट योर लाइक कि आप फेस पे क्या लगा रहे हो, आपको गुड क्वालिटी लगाना है, तो आप कीरो में इन्वेस्ट कर सकते हो. लाइक इसमें भी मुरु मुरु है और कुपकाओ कुपकाओ कुपाओ कुपाओ कु आई डोंट नो हाउ डू प्रोनाउंस इट, कोई बटर है इसमें जो अगेन लिप्स के लिए काफ़ी अच्छा है. सो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट. एंड फाइनली हाउ कैन यू फॉरगेट आर नेल्स. नेल्स के लिए मेरे पास एक रिकमेंडेशन है, ये है माई ग्लैम की मनीष मल्होत्रा की नेल पेंट. आई नो मनीष मल्होत्रा सुनते आप सबको लगा कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बट ट्रस्ट मी इतने एक्सपेंसिव नहीं है. मतलब जितने में आपको एक अच्छी लग्जरी सॉर्ट ऑफ एक अच्छी क्वालिटी की नेल पेंट मिलती है ना, आपको उतने प्राइस पे अमेजोन पे भी मिल जाएगी. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. इसका जो शेड है मेरे पास वो है ब्लश कैशमीर और मैंने अभी ये लगाया हुआ है. लाइक लुक एट दिस, मैंने अपने एक्सटेंशन के ऊपर ही लगाया हुआ है तो इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जस्ट इग्नोर द फैक्ट. बट शेड जो है वो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही दिखता है. मेरे एक्सटेंशन जो थे ना वो थोड़े से ऊपर आ गए थे और मुझे अभी ब्रांड की वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में यही लगा लिया. ये मैंने अपनी मदर को भी लगाया था, अभी स्टोरी भी डाली थी मैंने शादी के टाइम पर, मैंने अपनी मदर को लगाया था, शी लव्ड इट. इसका बहुत प्यारा एक पिंक सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आता है, अगेन सारे आउटफिट पे चला जाता है बिकॉज ऐसा पिंक गोल्डन इफेक्ट ऑलमोस्ट हर आउटफिट पे अच्छा लगता है. सो दिस आवर लुक्स लाइक वेरी नाइस शिमरी शिमरी कलर और इसका जो शिमर है ना वो काफ़ी इवन और एकदम अच्छी क्वालिटी का. लाइक इट्स नॉट लाइक जैसे पैचेस पैचेस में आता है ना शिमर, ये वैसा वाला शिमर नहीं है. सो आप जितना ही पे करो ना, आई थिंक इट इज़ वर्थ द क्वालिटी. सो दीज आर माई अमेजिंग रिकमेंडेशन फॉर अपकमिंग फेस्टिवल एंड वेडिंग मेकअप लुक. इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. ऑल्सो ये जो मैंने पहना हुआ है इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, बिकॉज ये जो हुप्स मैंने पहने हैं जूल्स गैलेक्सी के, ये भी आपको अमेजोन पे मिलेंगे, मैंने अमेजोन से लिए थे. और ये भी जो मैंने कुर्ता पहना है इट इज एक्चुअली अ सेट, इसके साथ प्रॉपर पैंट्स आती हैं, दुपट्टा आता है, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी. मैंने ये अपने कजिन की सगाई में पहना हुआ था लास्ट ईयर और इस साल मैंने कहीं किसी फंक्शन में पहना था. मैं पिक्चर आप इंसर्ट करूंगी. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, अफोर्डेबल भी है, तो ये भी आप अमेजोन से ले सकते हो. मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. और एक ना आपको नीचे स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर जब क्लिक करोगे ना आपको ये सारे प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे विद अपडेटेड प्राइस, बिकॉज अमेजोन के प्राइस ऊपर नीचे जाते रहते हैं. तो वो एक लिंक क्लिक कर देना, आपको सब कुछ वहां पे दिख जाएगा. एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.